मॉडलिंग से शुरू किया करियर, लापता फूल कुमारी में किया दमदार अभिनय और दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी किया काम। सुना है कि प्रियंका चोपड़ा जोनास की एक्टिंग देखकर उसने भी अभिनेत्री बनने का सपना देखा था। 13 साल के लंबे ब्रेक के बाद आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव ने डायरेक्ट की लापता लेडीज। ये मूवी काफी पॉपुलर हुई और शायद आपको पता हो कि 2025 में ये मूवी ऑस्कर में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है। लेकिन आज हम बात करेंगे 17 साल की नितांशी गोयल की, जिन्होंने इस फिल्म में फूल कुमारी के किरदार में अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया। 12 जून 2007 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में जन्मी नितांश के पिता बैंक कर्मचारी हैं। बचपन से ही उन्हें मॉडलिंग का शौक था और उन्होंने बच्चों के कई फैशन शोज में हिस्सा लिया। पढ़ाई के साथ साथ कराटे की भी ट्रेनिंग ली है उन्होंने। नितांश ने विभिन्न मशहूर ब्रांड्स के लिए अखबार और टीवी में कई विज्ञापनों के लिए फोटोशूट भी किए। 2009 में उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया और मॉडलिंग से छोटे पर्दे की दुनिया में कदम रखा। 2016 में मन में विश्वास है नामक धारावाहिक से उन्होंने छोटे पर्दे पर डेब्यू किया। इसके बाद उनके करियर ने रफ्तार पकड़ ली और नागार्जुन, एक योद्धा, कर्मफलदाता शनि, इश्कबाज, डायन और पेशवा बाजीराव जैसे कई हिट सीरियलों में काम किया। 2012 में पहली बार उन्हें आयुष्मान खुराना के साथ विक्की डोनर में एक छोटे से रोल में देखा गया। 2016 में रिलीज हुई सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में भी नितांश ने अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। ये देखो, ये क्या है? विकेट कीपिंग ग्लव्स है। स्कूल टीम में सिलेक्ट हो गया। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। दीदी, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब और खेलोगे कूदोगे होगे नवाब। इसके बाद हिंदू सरकार और हरदंग जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया। बाल कलाकार के रूप में उन्हें कई जगहों पर सम्मानित किया गया। OTT प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। लव स्लीप रिपीट और इनसाइड एज जैसी हिंदी वेब सीरीज में छोटे मोटे किरदार निभाए। 2020 में कोविड महामारी के दौरान समाज सेवा से जुड़े रहने के कारण उन्हें विशेष प्रमाण पत्र भी दिया गया। इसके साथ ही कई हिंदी म्यूजिक वीडियो में भी उन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीता। हाल ही में रिलीज हुई मैदान में अजय देवगन के साथ भी एक छोटे से किरदार में नजर आए। एक पुराने इंटरव्यू में नितांश ने बताया कि उन्हें एक बार आमिर खान से ऑटोग्राफ लेने का मौका मिला था, लेकिन उनके पास उस वक्त कोई कागज नहीं था तो उन्होंने टिश्यू पेपर पर ही आमिर का साइन किया। पर किसी वजह से वह टिश्यू पेपर खो गया और इस वजह से उन्होंने लगभग 3 घंटे तक रोया था। तो ये थी नितांश गोयल की अब तक की कहानी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताएं कि अगली बार आप किस सेलिब्रिटी की कहानी सुनना चाहेंगे।